everyone, welcome to our channel. In this channel, you'll get detailed information about more than 3,000 courses, career options, and lot more information. Thus, to attain all this information, all you have to do is subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मेरा नाम है शुभम सिंह और आपने ट्यून इन किया है स्टूडेंट खबरी और आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑन द अनदर एपिसोड ऑफ करियर प्लानिंग। तो जिस तरह से दुनिया में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, उसी तरह क्रिमिनल एक्टिविटीज भी बढ़ती जा रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ना करने के बावजूद किसी को गलत वजह से पकड़ा जाता है और कभी किसी से अपने आप को बचाने या किसी भी वजह से कुछ गलत हो जाता है। तो ऐसे चीजों से डील करने के लिए कौन है? ऐसी चीजों से डील करता है क्रिमिनल लॉयर। क्या आपको भी इंटरेस्ट है इस करियर में? आप भी क्रिमिनल लॉयर बनना चाहते हैं? अगर आपको भी क्रिमिनल लॉयर बनना है तो हम आपको कुछ चीजें बताएंगे इस करियर के बारे में। तो चलिए जानते हैं इस करियर के बारे में और धीरे धीरे पता करते हैं कि आप इस करियर में आगे किस तरह से बढ़ सकते हैं और आगे आपके साथ इस करियर में क्या क्या हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से ही। क्रिमिनल लॉयर होता क्या है? क्रिमिनल लॉ गवर्नमेंटल सैंक्शंस पे चलता है, जैसे इम्प्रिजनमेंट या फाइन एटसेट्रा। ऐसे एक्ट जो माने जाते हैं डेट्रीमेंटल है सोसाइटी के इंटरेस्ट में। उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला, ए सब्सटेंसिव लॉ, जो डिफाइन करता है कि जो एक्ट हुए हैं वो पनिशेबल हैं या क्रिमिनल लॉ के अंडर आते हैं। बी प्रोसीजरल लॉ, जो बताता है कि किस तरह से उस सब्सटेंसिव लॉ को लगाया जाए। तो कहता है क्या है क्रिमिनल लॉयर्स? क्रिमिनल लॉ एक समेशन है प्रिंसिपल्स का, जो गवर्न करता है सोसाइटी के लोगों के बिहेवियर का और उसी के वायलेशन करने पर पनिशमेंट के काबिल है। दूसरे शब्द में ये एक कोड है जो लोगों के बिहेवियर को संभाले रखता है। क्रिमिनल लॉ की दो प्रैक्टिस हो सकती हैं, ए ट्रायल, दूसरा अपीलेट। क्रिमिनल लॉयर को ट्रायल स्टेज के हिसाब से क्लाइंट के लिए केस तो बंद करना है, एविडेंस को इकट्ठा करना है। क्रिमिनल लॉयर को ट्रायल स्टेज के हिसाब से क्लाइंट के लिए केस को बंद कराना है, एविडेंस को इकट्ठा करके और क्रॉस एग्जामिनेशन करके सभी चीजों के बारे में। और क्रिमिनल लॉयर को अपीलेट स्टेज के हिसाब से देखना पड़ता है कि जो करंट केस है उसके लॉ एप्लीकेबल लॉ है, बराबर लगाए गए हैं कि नहीं। दोनों स्टेजेस के हिसाब से काफी अच्छे लॉयर्स हैं हमारे देश में और इसीलिए पोटेंशियल एस्पायरिंग क्रिमिनल लॉयर्स ज्यादा है। तो चलिए एक नजर इस पे भी डालते हैं कि आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए क्रिमिनल लॉयर बनने के लिए। सबसे पहले, अगर आप लॉयर हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत एफिशिएंट होनी चाहिए। दूसरा, फास्ट रिस्पांस करना आना चाहिए। ओपन और फ्लेक्सिबल माइंड होनी चाहिए। अच्छी ऑथोरिटेटिव और लीडरशिप स्किल होनी चाहिए। आपके पास पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अच्छी सुनने की और पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए और आपकी थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स होनी चाहिए। तो कैसे बढ़े और कैसे करियर बनाएं इस फील्ड में, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। 12th को किसी भी स्ट्रीम से पास करें, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए बैठें या कोई और अलग एंट्रेंस टेस्ट दें जो इंस्टीट्यूशन से हो रही हो, वो देकर एडमिशन ले बीए एलएलबी में, जो 5 साल का कोर्स है। अब 3 साल की एलएलबी डिग्री कर सकते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है और काफी हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट में भी। इस 3 ईयर के कोर्स के लिए भी एडमिशन टेस्ट के रिजल्ट पर ही एडमिशन्स होंगे जो ये इंस्टीट्यूट्स कंडक्ट कर रहे हैं। आपको ग्रेजुएट होना होगा अगर आपको 3 ईयर की कोर्स करनी है। आपका बीए एलएलबी या एलएलबी के बाद आप मास्टर भी कर सकते हैं, यानी कि एलएलएम। तो अगर आप क्रिमिनल लॉयर एज अ करियर परस्यू करते हैं तो आपकी सैलरी 5-6 लाख के अराउंड रिवॉल्व कर सकती है। इसका एकेडमिक प्रेशर भी हाई है और जॉब प्रेशर भी हाई है। इसको करने की मिनिमम एज है 21 इयर्स। सो अगर आपके पास भी है रिलेवेंट स्किल्स एंड इंटरेस्ट तो आप करियर एज क्रिमिनल लॉयर के बारे में सोच सकते हैं। सो दैट वाज ऑल इन टुडेज करियर प्लानिंग एपिसोड। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और अपॉर्चुनिटी से भरी करियर अपॉर्चुनिटी के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर। थैंक यू।